हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका वेलकम। दोस्तों तो दोस्तों हैप्पी संडे आप सबको। और मॉर्निंग में आप लोग क्या किया बताना। आंखें दर्द हो रही हैं। और दोस्तों सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि काम था। और आज दोस्तों अष्टमी हो गई। और जिन जिन लोगों ने कमेंट भेजा है उनको दिल से थैंक यू आप सबको। भूख लगी, ये लग रहा खाना खाऊं। अरे दिल मुस्कुराया। कौन कौन खाएगा मैं आपको बता दूं कि कल मैं मंदिर गई थी। आप लोगों ने कुछ बताया नहीं कमेंट में, आप लोग बताते नहीं हो। अरे मम्मी, बड़ा पैरों में दर्द है। तो हम तो भाई खाना खाने जा रहे हैं। जिसको जिसको खाना हो आप आइए और खाइए आके। को तो भूख लगी है। और आलू वो भी बनाए थे। अब दोस्तों दशहरा आ रहा है। यार बाबू ने हमारा रावण कंप्लीट कर दिया। फ्रेंड लोग यस ने पूरा रावण बना के कंप्लीट। अब बजरंग बली बन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा। अब खाना खाए नहीं दिखाते आपको। चलो कल दिखा देंगे। वे कल कौन दशहरा, परसों है 24 तारीख को। बड़ा गजब का बना, अच्छा लग रहा। हमारी तान्या से इतना छोटा है, इतना तान्या बराबर है। आज ब्लाउज बनाया था तभी आंखों में दर्द हो रहा है, इसलिए हम ब्लाउज नहीं बनाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ब्लाउज बनाओ बनाओ, अपना था तो वही सोचा सिल लूं। आधा सिला आधा रख दिया। कल बनाऊंगी। फिर वे 1 घंटा सिला, फिर 1.5 घंटा तो हो गए, आंखें खुद दर्द हो रही। यहाँ पे और किसी को मना कर दो कि हम नहीं बनाएंगे तो कहती हैं कि अपना बना लेती हैं, मेरा बनाने में कहती हैं आंखें दर्द होती हैं। क्या करें, मजबूरी है। अब सिल लेते हैं तो कम से कम अपना तो सिल ही लें, अपनी सिलाई बचा लें। नहीं तो सिले ना सिले, सिलाई सीखे क्या मतलब है कि अपने बिना बनाए कपड़े।
अब भूल भी जाएंगे नहीं बनाएंगे तो। ऐसे महीने दो महीने में एक आध ब्लाउज बना लेते हैं तो हाथ भी साफ हो जाते हैं। क्या है भैया, जीवन में आँखें हैं तो सब कुछ है, आँखें नहीं तो कुछ नहीं। अब दुनिया ही नहीं देख पाओगे तो क्या दिक्कत, तो क्या मतलब है ना। ठीक है दोस्तों, फिर अगले ब्लॉग में फिर मिलूंगी। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय।